ओके, वी आर बैक अगेन। कैलकुलेट टोटल इंडक्टेंस। टोटल इंडक्टेंस बताना, ये हमें एक सर्किट गिवन है, तो इसका टोटल इंडक्टेंस क्या होगा। टोटल इंडक्टेंस निकालने के लिए तो क्या करते हैं, एक पेयर लेंगे, कितने भी उसमें कर रखे हो एक एक पेयर से बात करेंगे। तो वो होता है दोनों कॉइल का, दोनों जो जो पेयर में बात कर रहे हैं उन दोनों का इंडक्टेंस प्लस माइनस 2 इंटू देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस। कब प्लस लेना कब माइनस लेना मैं यहाँ पे बता दूँ। प्लस साइन आएगा जब व्हेन करंट एंटर और लीव, LEAV, लीव बोथ डॉटेड टर्मिनल। यानी जो डॉट है ये वाले, इसमें अगर दोनों में जो एक पेयर में बात करेंगे, अगर दोनों में करंट एंटर कर रही है या लीव कर रही है तो पॉजिटिव साइन लेंगे, यानी +2m। नेगेटिव साइन क्या होगा, नेगेटिव कब आएगा, व्हेन करंट एंटर इन वन डॉट एंड लीव इन अदर डॉट। अगर एक में एंटर करे दूसरे में लीव करे तो कौन सा लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो अब इसी का यूज करके हम इसको सोल्व करने वाले हैं। मैंने कह दिया ये L1 है, ये L2 और ये L3। ठीक है, ये इन दोनों का L1 L2 का मान लिया मैंने M1 M12। ठीक है, इन दोनों कह दिया मैंने M, म्यूचुअल इंडक्टेंस ना 2 और 3 का है ये, और ये मैंने कह दिया M1 और 3 का। तो लिखना शुरू करो। मान लो यहाँ से I करंट ऐसा आ रही है, ये I सीरीज में I एक जैसी करंट जाएगी। ठीक है, अब तो देखो देखो कैसे लिखते हैं। पहले मैं लिख रहा हूं किसके लिए, देखो पहले क्या आएगा, हमारे पास टोटल कितने L1 L2 L3 तीन है, तो उन तीनों जितने भी होंगे सबका सम करके लिख दो। अब क्या करेंगे, उनके म्यूचुअल इंडक्टेंस से बात करेंगे। पहले M12 पे आओ, यहाँ पे इस वाले डॉट में करंट एंटर की, ठीक है, एस करके आ रही है ना ये, यहाँ पे एंटर करेगी। दूसरे इसके इसमें देखो जिससे म्यूचुअल वो हो रहा, यहाँ पे देखो इसमें क्या आएगी, ये इस वाले में तो एंटर कर गई, इसमें क्या होगा लीव करेगी। जब एंटर और लीव करता है तो उसमें क्या आता है, -2 इंटू M12। M23 के लिए बात करो, यहाँ पे लीव कर रही है और इसमें एंटर कर रही है, अगेन लीव एंटर का केस हो गया। M23 13 में देखो यहाँ पे एंटर की और यहाँ पे भी एंटर की, देखो यहाँ पे एंटर की और यहाँ पे भी एंटर की, तो क्या आएगा 2M13। बस इसमें वैल्यू लगा दो, 6 + 8 + 10 -2 × M12 4 -2 × 5 और 2 × 2। बस हो गया सोल्व। ये हो गया कितना, 18 24 8 10 4। ये होगा 28, 28 माइनस 18 गए तो 10 बचे, यानी टोटल इंडक्टेंस आ जाएगा 10 हेनरी। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अगेन इसमें आई करंट फ्लो करा देंगे, पहले इनको नाम दे दो, इसको L1, इसको L2, इसको L3। इस वाले का म्यूचुअल इंडक्टेंस को 1 और 2 की वजह से, ये 2 और 3 की वजह से, और ये 1 और 3 की वजह से। ठीक है, तो यहाँ ये I1, यहाँ पे भी I1 और यहाँ पे भी क्या होगी I1। तो टोटल इंडक्टेंस लिखो, पहले जितने भी होते हैं उनको लिखो। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए 1 और 2 में बात करो, यहाँ पे एंटर की, यहाँ पे ठीक है एंटर कर रही है, आ रही है ऐसे करके, और इस वाले में क्या कर रही है, एंटर कर रही है, यानी +2M12। 2 3 पे आओ, यहाँ पे एंटर की और यहाँ पे लीव कर गई, तो नेगेटिव साइन। 1 और 3 में बात करो, यहाँ पे I1 में एंटर की, I1 इसमें L1 में एंटर की और L3 में जाके लीव कर गई, अगेन माइनस। तो बस इतना करना, 10 + 12 + 8 + 2 × M12 कितना 6, 2 3 कितना 6 और ये M13 4। तो टोटल इंडक्टेंस आ जाएगा, ये हो गया 20 30, ये हो गया 30 + 12 - 12 - 8, 12 से 12 कैंसिल, और 30 - 8 कितना हो जा 22 हेनरी। ठीक है, आई होप समझ आया होगा।
ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो इस आई होप आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।